देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 109, ठीक है, और हिंदी ऑनर्स ये सेकेंड ईयर की आप सबकी क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो देखिएगा चैप्टर नंबर इसका सेकेंड है, इससे पहले हमने पहला चैप्टर आपको पढ़ा रखा, आप जाकर के उसकी वीडियो जरूर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 2 क्या है, प्रेमचंद का परिचय और उनके उपन्यास, यानी प्रेमचंद का जीवन परिचय क्या है और साथ में उनके उपन्यास क्या है। देखो एग्जाम में उपन्यास पूछेगा, जीवन परिचय वरिचय नहीं आता किसी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज इस क्लास में उपन्यासकार प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास हैं और उन्होंने उन उपन्यासों में क्या क्या लिख रखा है, ठीक है। यानी प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ये आता इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते भाई, पूछ सकता कि। अब देखिएगा उपन्यासकार प्रेमचंद, ये इंपॉर्टेंट है, यानी प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से। देखिएगा हिंदी उर्दू में प्रेमचंद की ख्याति एक उपन्यास कह रहे हैं। एक चीज बता दूं, आप सबको पता होगा कि जो प्रेमचंद है पहले उर्दू में लिखते थे, क्या थे, पहले उर्दू में लिखते थे और बाद में हिंदी में आए हैं, ठीक है। पहले उर्दू में लिखते थे, इनका बहुत बड़ा नाम वाम नहीं था, ठीक है, यानी उतने ज्यादा फेमस नहीं हुए, यानी उर्दू में जब लेखन करते थे तो इनको बहुत कोई जानता नहीं था, लेकिन कहा जाता कि जब इन्होंने उर्दू से हिंदी में लिखना शुरू किया और उर्दू में जो इन्होंने लिख रखा था वह उन्होंने ट्रांसलेट करके हिंदी में अनुवाद किया, तो कह सकते हो भाई रातों रात अगर किसी आदमी की किस्मत चमकी है हिंदी साहित्य में वो प्रेमचंद का नाम है, ठीक है। हिंदी उर्दू में प्रेमचंद की ख्याति वो उपन्यासकार, यानी प्रेमचंद हमारे देश में सिर्फ कहानियों के लिए बहुत जाने जाते हैं लेकिन साथ साथ कह सकते हो उपन्यास भी उन्होंने बहुत लिखे हैं। उन्हें हिंदी समाज ने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी, यानी कह सकते हैं जो हिंदी समाज है, जो हिंदी साहित्य है, उसमें प्रेमचंद को सम्राट की उपाधि दी गई है, ठीक है। किसी अन्य लेखक को यह उपाधि नहीं मिली है, यानी किसी और को नहीं मिली है। उन्होंने प्रारंभ में उर्दू में उपन्यास की रचना की, बाद में उन्होंने हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में लेखन का कार्य किया, यानी पहले जो प्रेमचंद उपन्यास लिखते थे वो किसमें लिखते थे, वो लिखते थे जी उर्दू भाषा में, बाद में वह उर्दू से किसमें आए हैं, हिंदी में आए, यानी आ गए। उनका पहला उपन्यास हम खुर्रम हम साब है जो 1906 में प्रकाशित, यानी उन्होंने जो पहला उपन्यास लिखा हम खुर्मा और हम सबाब जो 1906 में प्रकाशित हुआ, यह एक उनका सामाजिक उपन्यास था, यानी प्रेमचंद ने 1906 में जो उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा था वह उर्दू में लिखा था, ठीक है, जिसका नायक समाज सुधार के कार्य करता है। हिंदी में उपन्यास में प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ, यानी प्रेमचंद का जो उपन्यास है, जो उन्होंने पहला उपन्यास 1906 में लिखा था वही उपन्यास उर्दू में लिखा उपन्यास हिंदी में छपा तो उसका प्रेमा नाम से छपा। बाद में उन्हें इस उपन्यास की प्रतिज्ञा शीर्षक को पुनः प्रकाशित किया, इसकी कथा और उद्देश्य को उन्होंने बदल दिया। इसके साथ ही उन्होंने रूठी रानी शीर्षक को एक ऐतिहासिक उपन्यास और वरदान उपन्यास की रचना की, यानी कह सकते प्रेमचंद जो है उपन्यास बाद बहुत बड़े माने जाते हैं और प्रेमचंद का उपन्यास में क्या काफी नाम है, ठीक है। और जैसे इनका गोदान और गबन सबसे फेमस उपन्यास हैं जिनका आप सबने नाम खूब सुना होगा, गोदान और गबन सबने सुना होगा भाई, गोदान का तो सबने नाम सुना होगा कि फेमस उपन्यास उनका प्रेमचंद का रहा। तो प्रेमचंद उपन्यासकार माने जाते हैं और प्रेमचंद पहले जो उपन्यास लिखते थे किसमें लिखते थे जी, ये लिखते थे उर्दू में और उर्दू से ये हिंदी भाषा में आए हैं। अब हम प्रेमचंद का एक उपन्यास पढ़ने बात करेंगे, सेवा सदन। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है जी, जिसकी हम बात करेंगे, सेवा सदन। देखेगा हिंदी में प्रेमचंद की ख्याति सेवा सदन के प्रकाशन से होती, यानी प्रेमचंद ने जब उपन्यास सेवा सदन लिखा उसके बाद हम लोग कह सकते कि प्रेमचंद बहुत ज्यादा ख्याति मतलब समझते प्रसिद्धि प्राप्त हुई, ठीक है जी। यह उनके उर्दू उपन्यास बाजार ए हुस्न का हिंदी रूपांतरण है जो स्वयं प्रेमचंद ने किया, यानी कहने का है कि प्रेमचंद ने पहले एक उपन्यास उर्दू में लिखा था जिसका नाम था बाजार ए हुस्न, बाद में वही जो भैया उर्दू में उपन्यास लिखा था बाजार ए हुस्न उसी का नाम सेवा सदन रख करके हिंदी में प्रकाशित हुआ है। इसका प्रकाशन 1919 में हुआ, यानी प्रेमचंद का जो सेवा सदन उपन्यास है ये पब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था सेवा सदन 1919 में, ठीक है। इस उपन्यास में समाज की स्थिति
और नारी की, नारी के वैश्या बनने की परिस्थितियों का वर्णन किया गया। सेवा सदन में क्या है कि एक लड़की कैसे वैश्यावृत्ति में चली जाती है, ठीक है, उसके सामाजिक स्थितियों के बारे में क्या इस उपन्यास में वर्णन किया गया है। इस वैश्या समस्या के निराकरण के लिए सेवा सदन की स्थापना की जाती है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे प्रेमचंद का जो उपन्यास है सेवा सदन, इसमें एक लड़की है जिसको वैश्यावृत्ति में कैसे चली जाती है उसी के इर्द गिर्द पूरा उपन्यास चलता। सुमन इस उपन्यास की केंद्रीय प्राप्त है, यानी इसमें एक लड़की जिसका नाम सुमन है, पूरा जो उपन्यास है वो सुमन के इर्द गिर्द ही घूमता है। कौन सा उपन्यास है जी? सेवा सदन। प्रेमचंद उपन्यास में सिर्फ कथा नहीं कहते, कथा के बीच बीच में किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या का चित्रण करते हैं। यानी हम लोग अगर प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ते हैं तो प्रेमचंद सिर्फ कथा नहीं कहते हैं बल्कि बीच बीच में सामाजिक राजनीतिक समस्या का भी चित्रण करते हैं, यानी उसको बताते हैं। इसलिए कुछ आलोचक उन्हें उपन्यास प्रधान उपन्यास कहते हैं, यानी कहते हैं, यानी प्रेमचंद जो है वो ज्यादातर जो उपन्यास लिखते हैं समस्या प्रधान उपन्यास लिखते हैं। यानी जैसे समस्या क्या है, अगर जैसे भाई हमारे समाज में स्त्री समस्या है, स्त्रियों की समस्याएं हैं, दहेज प्रथा समस्या है, सामाजिक समस्या है, मध्यम वर्गीय लोगों की जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं, इस प्रकार के उपन्यास जो हैं वह प्रेमचंद ज्यादा लिखते हैं। यानी जिस उपन्यास में प्रेमचंद किसी न किसी समस्या पर, किसी प्रॉब्लम पर, किसी समस्या पर समाज का ध्यान क्या करते हैं, आकर्षित करवाते हुए हमको प्रेमचंद दिखाई देते हैं, इस प्रकार के उपन्यासों की संख्या ज्यादा है। उनके उपन्यास के केंद्र में चरित्र नहीं होते हैं वरना कुछ ठोस समस्याएं होती हैं, उनके पात्र उन समस्याओं में जीते हैं और अपना विचार व्यक्त करते हैं। यानी प्रेमचंद का ज्यादातर जो उपन्यास है वो किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के नहीं होता है बल्कि समस्या को केंद्र रखते हैं। उसी प्रकार से तुम सबने प्रेमचंद की जितनी कहानियां पढ़ी हैं, क्योंकि कहानीकार सबसे बड़े प्रेमचंद उपन्यास का कहानीकार भी हैं, तो कहानियों में तुमने देखा होगा कि किसी किरदार को नहीं बताते हैं या उसके बारे में गुणगान बहुत ज्यादा नहीं करते प्रेमचंद समस्या में। यानी प्रेमचंद समस्याओं को बताते हैं और समस्याओं को पात्रों के माध्यम से वो क्या करते हैं, बताते चले जाते हैं। लेखक के रूप में प्रेमचंद उन समस्याओं पर अपना मत रखते हैं, उन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताते हैं। यानी प्रेमचंद उपन्यास में जो समस्या बताते हैं कि भाई समाज में समस्या है, समाज में अलग अलग समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उन पर अपना विचार यानी अपना मत रखते हैं और उन समस्याओं को दूर करने का भी बताते हैं। यह उनके उपन्यास का एक पक्ष, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अलावा उनके उपन्यास में सामाजिक जीवन, पात्र, घटनाएं, उद्देश्य सब होते हैं। यानी प्रेमचंद के उपन्यासों को अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें अलग अलग घटनाएं, सामाजिक जीवन, उसमें कैरेक्टर, पात्र भी होते हैं। जैसे हमने सेवा सदन उपन्यास पढ़ा जो एक वैश्यावृत्ति के आसपास पूरी कहानी घूमती है जिसमें सुमन नाम की एक लड़की है। सेवा सदन की मुख्य समस्या भले ही वैश्य समस्या हो परंतु इसमें प्रेमचंद ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, भारतीय समाज में स्त्री और पुरुषों में क्या क्या समस्या समानता की है, दहेज जैसी समस्याओं का चित्रण कह सकते हैं प्रेमचंद ने इसमें किया। यानी सेवा सदन जो उपन्यास है प्रेमचंद का, उसमें प्रेमचंद ने सिर्फ वैश्यावृत्ति को लेकर के नहीं बल्कि हमारे समाज में, परिवार में स्त्री की स्थिति कैसे है, हमारे घर परिवारों में स्त्री और पुरुषों में जो असमानताएं हैं उसको दिखाया है, दहेज जैसे मध्यम वर्गीय जीवन की सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलाप आदि समस्याओं का चित्रण कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने इसमें किया। यानी प्रेमचंद सेवा सदन में सिर्फ वैश्यावृत्ति पर ही फोकस नहीं करते हैं, यानी वैश्यावृत्ति को नहीं बताते हैं बल्कि भारतीय महिलाओं की क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस उपन्यास की समीक्षा उस समय के महत्वपूर्ण आलोचक पदम सिंह शर्मा और रामदास गौड़ ने किए। हिंदी समाज के उत्साहपूर्वक इस उपन्यास का स्वागत किया तथा उनके अगले उपन्यास की समीक्षा करने लगे। यानी प्रेमचंद का जो सेवा सदन उपन्यास है काफी अच्छा है। अवध उपाध्याय प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास सेवा सदन ही मानते हैं। यानी एक साहित्यकार है जिनका नाम है अवध उपाध्याय, उन्होंने सेवा सदन को प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास बताया है। अगला जो प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास का है प्रेमाश्रय। देखिएगा सेवा सदन के बाद
किसान जीवन से संबंधित प्रेमा श्रम 1922 में प्रकाशित हुआ एक उपन्यास है। क्या है? प्रेमा श्रम, एक उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद ने किसानों की समस्याओं को बताया है। यानी देखो उसमें वैश्यावृत्ति सामाजिक महिला की समस्या थी, जो प्रेमा श्रम है इसमें प्रेमचंद ने किसान के जीवन में क्या समस्या है उन समस्याओं को प्रेमा श्रम उपन्यास में बताया। इसकी रचना असहयोग आंदोलन से पहले की गई, यानी आप सबको पता होगा भारत में एक आंदोलन हुआ जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो प्रेमचंद ने जो प्रेमाश्रम जो उपन्यास है ये कब लिखा था जी? असहयोग आंदोलन से पहले लिखा था, 1922 में प्रकाशित हुआ है। असहयोग आंदोलन के पश्चात प्रेमचंद की दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया। इसके बाद प्रेमचंद यह लिखते हैं कि अंग्रेजी राज किसानों का बहुत बड़ा शत्रु है। यानी अंग्रेजों की सरकार को प्रेमचंद क्या है कि भाई किसानों का बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार जो है किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। किसानों पर भाई नाजायज टैक्स लगा रही है, नाजायज सारी काम कर रही है। प्रेमा श्रम में वह मानते हैं कि जमींदार वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। इस उपन्यास के मूल में जमींदारी प्रथा है, यानी कह सकते जमींदारी प्रथा और जमींदार किस प्रकार से किसानों का शोषण करते हैं और किस प्रकार से किसानों का शोषण और दमन करते हैं, उस शोषण और दमन की कहानी कह सकते हैं कि प्रेमाश्रम जो उपन्यास है इसमें ज्ञान शंकर और प्रेम शंकर दो पात्र हैं। यानी जो प्रेमाश्रम इनका उपन्यास है इसमें दो कैरेक्टर पात्र हैं, जिसमें भैया एक है ज्ञान शंकर और दूसरे हैं प्रेम शंकर। ज्ञान शंकर जमींदार है तथा प्रेम शंकर जमींदारी से दूर हटकर किसानों के लिए प्रेमाश्रम की स्थापना करता है। इस उपन्यास का नायक कोई एक पात्र नहीं है, वरना लखनपुर गांव के सारे किसान इस उपन्यास के नायक हैं। उपन्यास के अंत में माया शंकर जमींदारी से इस्तीफा दे देता है और सभी किसान खुशहाल हो जाते हैं। यानी जमींदारी की प्रथा और जमींदार किस प्रकार से हमारे किसानों का शोषण करते हैं और अंग्रेज किस प्रकार से किसानों की समस्याओं का किसानों को परेशान करते थे, किस प्रकार से उनसे नाजायज टैक्स लेते थे, यानी जिसको हम बोलते हैं कि उनसे लिया जाता था भाई लगान ली जाती थी, उस चीजों को यहाँ पर बताया है। और इस उपन्यास का अंत तब होता है कि जब जमींदारी से जमींदार इस्तीफा देता था सभी किसान खुशहाल हो जाते हैं। इसी में प्रेमचंद ने नए और पुराने जमींदारों की तुलना भी किया है। यानी नए जमींदारों की तुलना और पुराने जमींदारों की तुलना प्रेमचंद ने इस उपन्यास में की है। नया जमींदार जमींदारी की लाभ की दृष्टि से देखता है परंतु पुराने जमींदार इसे प्रतिष्ठा परंपरा। कह रहे हैं कि भाई जो नया जमींदार होता है वह केवल लाभ कमाना चाहते हैं। क्या? कि भाई जो नए जमींदार होते हैं वो मात्र और मात्र लाभ कमाने के उद्देश्य से होते हैं, लेकिन जो पुराने जमींदार होते हैं वह इसे प्रतिष्ठा यानी अपना बड़प्पन या कह सकते हो अपनी मान मर्यादा परंपरा की दृष्टि से देखते हैं। यानी उसका दूसरा जो प्रेमचंद का उपन्यास है जो किसानों पर है, अंग्रेजों की सरकार है किसानों पर जो शोषण दमन करती थी उस पर कह सकते हैं उन्होंने जो दूसरा उपन्यास लिखा है जिसको हम प्रेमाश्रम कह रहे हैं। तीसरा उनका उपन्यास हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भैया रंगभूमि नाम से आप लोग सामने समझ लिया होगा कि यह उपन्यास कैसा उपन्यास होगा। देखिएगा इसके बाद उनके उपन्यास रंगभूमि का प्रकाशन हुआ है। प्रेमचंद की अगर हम लोग बात करें उनका तीसरा उपन्यास क्या है? रंगभूमि। यह असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद लिखा गया है यानी और तथा 1925 में प्रकाशित हुआ। यानी जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया है उस असहयोग आंदोलन वापस होने के बाद उन्होंने जो उपन्यास लिखा है उसको हम लोग कहते हैं भैया रंगभूमि। और रंगभूमि प्रेमचंद का तीसरा उपन्यास है। किसका तीसरा उपन्यास है? यह 1925 में प्रकाशित हुआ है। इसे आलोचकों ने महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी है। प्रेमचंद की जीवनी लेखक अमृत राय ने लिखा है कि यह पहला उपन्यास है जो पहले हिंदी में लिखा गया बाद में इसका उर्दू में रूपांतरण। यानी यह पहला उपन्यास था कि भैया जिसको प्रेमचंद ने सीधा सीधा हिंदी में लिखा था बाद में यह उर्दू में गया। नहीं तो इससे पहले जितने भी उपन्यास हम लोगों ने चर्चा की है वो सारे उपन्यास प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखा था बाद में उन्होंने इसको हिंदी में लिख करके। लेकिन रंगभूमि ये पहला उपन्यास है जो पहले जी
हिंदी में लिखा है, बाद में उर्दू में आया। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र नेत्रहीन यानी दिव्यांग भिखारी सूरदास है। यानी अगर आप देखेंगे जो रंगभूमि उपन्यास है, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो भैया क्या है, दिव्यांग है यानी अंधा है, जिसको दिखाई नहीं देता, नेत्रहीन है, जिस भिखारी है जिसका नाम भिखारी सूरदास है। सूरदास की जमीन को उद्योगपति जोन सेवक लेना चाहता है, सूरदास उससे सहमत नहीं होता। जमीन के बाद वह पांडेपुर का आवासीय जमीन और उसका झोपड़ा भी लेना चाहता है। फिर संघर्ष होता है, आंदोलन होता है। इस आंदोलन में दो दल बनते हैं, राजा महेंद्र प्रताप अखबार वाले सरकार सब जोन सेवक का पक्ष लेते हैं, बिना और सोफिया सूरदास का समर्थन करते हैं। अंत में सूरदास मारा जाता है, जोन सेवक का कारखाना खुल जाता है, नगरीकरण की यह प्रक्रिया पूरी होती है। इन सबका प्रेमचंद ने विस्तार से चित्रण किया, यानी किस प्रकार से किसी की जमीन को नाजायज तरीके से कैसे कोई व्यक्ति हड़प लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, इस उपन्यास रंगभूमि में प्रेमचंद ने बताया है। जो उपन्यास पूरा कह सकते हैं भैया, इसमें एक कैरेक्टर है, पात्र है जिसका नाम सूरदास है, उसके इर्द गिर्द पूरा घूमता है। इसमें पहली बार एक अंग्रेजी कलेक्टर मिड क्लर्क पात्र के रूप में आते हैं और वह साम्राज्यवादी नीति को स्पष्ट करते हैं कि सभी अंग्रेज भारत को अंततः अनंत काल तक अपने अधीन रखना चाहते हैं। जमींदार और राजा तभी तक अंग्रेज के मित्र हैं जब तक वह उनके साम्राज्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। उस समय के चर्चित आलोचक अवध उपाध्याय ने सरस्वती पत्रिका में धारावाहिक रूप में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि रंगभूमि वेंटिक फेयर का अनुवाद है, यानी एक प्रकार के रंगभूमि जो उपन्यास है, काफी कुछ लोग कहते थे एक प्रकार का प्रेमचंद ने भैया इसका अनुवाद है। बेनेटिक फेयर एक उपन्यास था जिसका ट्रांसलेशन काफी लोग कहते हैं कि रंगभूमि प्रेमचंद का जो उपन्यास है, जिसमें कह सकते हो कि भाई मेरे एक सूरदास नाम का व्यक्ति है जिसको नाजायज तरीके से उसकी जमीन को हड़प लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। और इसमें पहली बार एक अंग्रेज अधिकारी कहता है कि हम भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना हम लोगों का नीति है। यानी क्या कहता है भाई, उनकी नीति है कि भारत को लंबे समय तक गुलाम। अगला प्रेमचंद का उपन्यास है निर्मला। निर्मला रंगभूमि के पश्चात यानी रंगभूमि के बाद प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास की रचना की। यह उपन्यास चांद पत्रिका में नवंबर 1925 और नवंबर 1926 तक प्रकाशित हुआ, यानी यह अखबार में छपता था थोड़ा थोड़ा करके। जो निर्मला उपन्यास है इसमें दहेज प्रथा के कारण उत्पन्न विलोम बेमेल विवाह की समस्या है। यानी जो निर्मला उपन्यास है इसमें दहेज प्रथा के कारण, जैसे तुमको पता भाई कि अगर फादर बाप के पास दहेज नहीं रहता है तो लड़की की शादी एक अयोग्य लड़के से हो जाती है, बेमेल विवाह। बेमेल का मतलब समझते हो कि भाई लड़की बहुत पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारी हो, और उस लड़की की शादी एक बड़े उम्र के लड़के के साथ कर दी जाए, या जिसकी एक बार शादी हो चुकी हो उससे कर दी जाए लड़की की शादी, इसे हम लोग बोलते हैं बेमेल विवाह। यानी दहेज एक ऐसी चीज है, अगर माँ बाप दहेज नहीं दे पाते हैं तो उनकी लड़कियों की जो शादी है किसी अयोग्य व्यक्ति से हो जाए, अयोग्य लड़का, यानी जो लड़का लड़की के लायक नहीं उस लड़की से जब शादी कर दी जाती है उसी को बोला जाता है भैया बेमेल विवाह। तो दहेज प्रथा और बेमेल विवाह की समस्या पर केंद्रित उनका एक उपन्यास है जिसका नाम है निर्मला। यह नायिका प्रधान उपन्यास है, निर्मला इस उपन्यास की नायिका। निर्मला नाम की एक लड़की है, एक महिला है इसकी नायिका, यानी इसकी मेन एक्टर है, हीरो कह सकते हो। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में स्त्री पुरुष भेद की चर्चा अवश्य करते हैं, लेकिन इस आधार पर स्त्री की पीड़ा का वर्णन करते हैं। यह पहला उपन्यास है जिसमें स्वाधीनता आंदोलन का वर्णन नहीं किया गया है। आमतौर पर प्रेमचंद किसान जीवन और स्वाधीनता का चित्रण जरूर करते हैं। इसमें बेमेल विवाह के कारण युवा नारी की धीमी धीमी हत्या होती है, इस कारण इस उपन्यास का अंतर करणीय उपन्यास है। यानी कह सकते हैं इसमें एक निर्मला नाम की महिला है, लड़की है, जिसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है
जो उसके योग्य नहीं है, क्योंकि निर्मला के पिता के पास इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि वह अपनी बेटी की शादी किसी किसी लड़के से कर सके, किसी योग्य लड़के से, अयोग्य लड़के से, क्योंकि भाई इतना धन दहेज नहीं, इतना दहेज नहीं दे सकती है ना, इस कारण से। किसी तरह इसी तरह का आश्रम या आदर्शवादी आकांक्षा इस उपन्यास में नहीं है जो उनके अब तक के उपन्यास में रही, यानी इसमें कोई आदर्श नहीं है। सेवा सदन की सुमन अपने ढंग का प्रतिकार करती है और अंधता वैश्याओं के सेवा सदन पहुंच जाती है। निर्मला कोई प्रतिकार नहीं करती है अपने यथार्थ को, अपनी नियति, यानी निर्मला एक ऐसी लड़की है जिसको लगता है भैया मेरे पिता गरीब हैं, दहेज नहीं दे सकते हैं, तो मेरा जीवन ही ऐसा रहेगा, मेरा जीवन इसी में कट जाएगा, यानी वो समस्या के साथ किसी भी तरह, यानी जो समस्या उन समस्याओं का सामना नहीं करती है, बल्कि उसको अपना नियति यानी अपना कर्म मानकर, बोलते भैया मेरे कर्म में तो यही लिखा है, ऐसे बोलते लोग ना, यानी अपना कर्म मान करके उसको मान लेती है। ये जो निर्मला इनका उपन्यास है जिसमें एक निर्मला नाम की लड़की है जिसके पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा दहेज नहीं है और ज्यादा दहेज नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनकी बेटी की शादी एक अधिक उम्र के व्यक्ति से हो जाती है, यानी बड़ी उम्र के व्यक्ति से हो जाती है जिसकी शादी एक बार पहले हो चुकी है, उससे हो जाती है, यानी वो विधुर है। ठीक है, अगला उनका उपन्यास है कायाकल्प। कायाकल्प क्या है, एक उपन्यास देखिएगा, इसके बाद उनके उनका अपेक्षाकृत कमजोर उपन्यास कायाकल्प प्रकाशित होता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने सामाजिक राजनीतिक जीवन के साथ साथ लौकिक धार्मिक कल्पनाओं को भी चित्रण किया है। इस तरह उपन्यास के दो केंद्र हैं, एक केंद्र में जगदीशपुर की रानी देवप्रिया का भोग विलास है, दूसरी ओर केंद्र में चक्रधर है जो इन दोनों कथाओं को जोड़ता है। यानी कि अगर अगर मैं इनके उपन्यासकारों की उपन्यास की बात करूं, जो कायाकल्प उपन्यास है, इसमें दो कहानी है, एक कहानी में जगदीशपुर की रानी देवप्रिया है जो भोग विलास में है, ऐश आराम की जिंदगी भैया जी रही है देवप्रिया जो रानी है, और दूसरी तरफ इसमें चक्रधर है जो इन कथाओं को जोड़ता है। पहले भाग में धर्म और विज्ञान तथा योग और भोग के मिलकर के यौन प्राप्त करने की आकांक्षा है, यानी इस उपन्यास में देखोगे तो विज्ञान का और योग का सहारा लेकर के कोई जवानी को प्राप्त करने की आकांक्षा है। राजनीतिक कथा में सांप्रदायिक दंगे जनसाधारण की कथा है। रंगभूमि में सूरदास की पराजय के बावजूद लेखक मन में आशावाद बचा रहता है, कायाकल्प में ऐसी आशा नहीं है, यानी कायाकल्प एक प्रकार से वैज्ञानिक धार्मिक और भोग विलास के साथ लिखा गया उपन्यास है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, और इसको प्रेमचंद का सबसे कमजोर उपन्यास माना जाता है। ये बहुत फेमस उपन्यास नहीं रहा लेकिन प्रेमचंद इसको लिखा है, इसकी बात हम लोगों ने की। अगला प्रेमचंद का उपन्यास है गबन। गबन देखिएगा, गबन उपन्यास में लेखक ने प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हो जाता है, यानी गबन जो उपन्यास है इसका लिखने का काम प्रेमचंद ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1931 में महात्मा गांधी जिसको हम दांडी मार्च के नाम से आप लोग जानते हो, उस आंदोलन से पहले उन्होंने गबन लिखना शुरू किया। तब प्रेमचंद स्त्रियों की आभूषण प्रियतम की कहानी आरंभ करते हैं, कुछ दिनों तक यह कहानी चलती है, इस बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। इस उपन्यास का नायक रमानाथ अभिचारशील मध्यम वर्गीय प्राप्त है, इसमें अंग्रेज सरकार द्वारा स्वाधीनता सेनानियों की प्रताड़ना का वर्णन किया गया। यानी गबन में अगर आप देखोगे तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं किस प्रकार से अंग्रेज उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, इसका वर्णन गबन उपन्यास में किया गया है। प्रेमचंद के उपन्यासों में पुलिस अब तक अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप में आती है जो किसानों पर अत्याचार करने में जमींदारों का सहयोग करती है, परंतु इस उपन्यास में पुलिस अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सामने आती है। पुलिस की प्रताड़ना के खिलाफ जन आक्रोश उमड़ता है, यानी इसमें किस प्रकार से पुलिस लोगों को परेशान कर रही है, किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार लोगों को परेशान कर रही है और पुलिस किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार का समर्थन करती है, इन सब चीजों को कह सकते हैं कि प्रेमचंद का जो उपन्यास है उस गबन में दिखाया गया। प्रेमचंद ने इस आक्रोश का सहानुभूति पूर्वक चित्रण करते हैं। उपन्यास की नायिका जल्पा है, यानी इस उपन्यास में एक नायिका जिसका नाम क्या है जी, जल्पा। गबन में एक उपन्यास में नायिका थी जिसका नाम क्या है, मैंने आपको बताया जल्पा, जिसका उपन्यास में चारित्रिक परिवर्तन और विकास होता है। आरंभ में वह आभूषण की
प्रिय है, मध्यम हरियाणा, यानी जो जलपा नाम की लड़की है इसको गहने शुरू में बहुत पसंद है, ठीक है। बाद में वह ओजस्वी और क्रांतिकारी के रूप में सामने, बाद में क्रांतिकारी बन जाती है जब अंग्रेजों का अत्याचार देती है। वह अपने प्रेरक व्यक्तित्व में अपने पति रामानाथ के साहस का संचार करती है। इसमें कुछ अन्य प्रभावशाली पात्र कथाएं हैं, इन पात्रों में देवी दीन खटीक रतन आदि प्रमुख है। इसमें प्रेमचंद ने उस कानून को बदलने की वकालत की है जिसमें पति की मृत्यु के बाद संपत्ति पत्नी को नहीं मिलती थी, यानी कह सकते कि गबन में प्रेमचंद इस बात को कहते कि जब भाई पति की डेथ हो जाती है और पत्नी को संपत्ति में कुछ नहीं मिलता है, इन समस्याओं को उन्होंने दिखाया है। इस विषय पर प्रेमचंद के लेख और कहानियां भी मिलती हैं। तो गबन जो है प्रेमचंद का काफी फेमस उपन्यास है जिसमें कह सकते हैं उन्होंने अंग्रेज किस प्रकार से किसानों को परेशान कर रहे हैं, क्रांतिकारियों को परेशान कर रहे हैं, और किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार एक प्रकार से अंग्रेजों का समर्थन करती है, और किस प्रकार से अंग्रेज इस देश को लूटते खसोटते हैं, और महिलाओं की समस्याओं को भी इसमें भी दिखाया गया है कि पति की डेथ होने के बाद पत्नियों को उनकी संपत्ति में कुछ नहीं मिलता है। इन सारी चीजों को कह सकते प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गबन में दिखाया है। उनका अगला उपन्यास प्रेमचंद का कर्म भूमि, कौन सा उपन्यास है जी, कर्म भूमि। देखिएगा गबन के पश्चात प्रेमचंद का महत्वाकांक्षी उपन्यास कर्म भूमि प्रकाशित हुआ है। यानी क्या है कि कर्म भूमि एक उपन्यास प्रेमचंद का प्रकाशित हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है कर्म भूमि। आलोचकों का विचार है कि इस उपन्यास में प्रेमचंद प्रेमाश्रम और रंगभूमि की कथा को भूमि को मिलने का प्रयास करते हैं, अर्थात इस उपन्यास में किसान जीवन और नगर में चलने वाले आंदोलन को शामिल किया गया। यानी कर्म भूमि उपन्यास में किस प्रकार से किसानों की समस्या है और शहर में कैसे आंदोलन होते, यानी किसान को और आंदोलन को जोड़ने का प्रयास कौन से उपन्यास में किया प्रेमचंद ने, कर्म भूमि में। इस उपन्यास में पहली बार अंग्रेजी सिपाही आते हैं, वह मुन्नी का बलात्कार कर देते हैं। कुछ दिनों बाद मुन्नी उन अंग्रेजी सिपाहियों का वध कर देती है। इस पर पुलिस मुन्नी को गिरफ्तार कर लेती है। मुन्नी के समर्थन में आंदोलन हो जाता है, यानी इसमें एक लड़की है जिसका नाम मुन्नी है, उसका बलात्कार हो जाता है और कुछ दिनों बाद मुन्नी उन अंग्रेजी सिपाहियों की हत्या कर देती है। इस पर मुन्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुन्नी के समर्थन में एक आंदोलन होता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने लगान बंदी आंदोलन का चित्रण किया है। इसके साथ अछूतों के मंदिर प्रवेश की समस्या आती है जहां स्वर्ण से टकराव होता है। इस आंदोलन का प्रमुख पात्र अमरकांत है। इसके अलावा सुखदा, मुन्नी, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। यानी इस उपन्यास में काफी कुछ कहानियां हैं, जैसे इसमें अछूतों को भैया मंदिरों में घुसने नहीं देते हैं, इस समस्या को दिखाया है। मुन्नी नाम की लड़की का पुलिस बलात्कार करती, बाद में मुन्नी उन पुलिस वालों को मार देती जिसमें उसको जेल जाना पड़ता है, उसके पुलिस गिरफ्तार करती, उसके खिलाफ आंदोलन हो जाता है। तो इसमें आंदोलन, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या और पुलिस किस प्रकार से अत्याचार करती, सारी चीजों को दिखाया गया कर्म भूमि में। उपन्यास में गांव और शहर के आंदोलन मिल जाते हैं, यह उनमें भाग लेने वाले पात्रों के कारण संभव हो पाता है। सरकारी आंदोलन और आंदोलनकारियों का आंदोलन असफल हो जाता है। सरकार और आंदोलनकारियों में एकता स्थापित हो जाती है जो प्रेमचंद के अनुसार क्षरणीय है। ऐसा आंदोलन पुनः होगा, इस आंदोलन का कोई फायदा हो या ना हो जागृति जरूर आई है। यानी कह सकते कि जो इनका जो उपन्यास है रंगभूमि, सॉरी कर्म भूमि, इसमें आंदोलनों को दिखाया गया। इसमें आंदोलन होते लेकिन सफल नहीं होते हैं, लेकिन कहा जाता है इससे भारत में आंदोलन होने की जो राह है वो कह सकते भैया प्रशस्त हो जाती। यानी आने वाले समय में और भी आंदोलन हो सकते हैं, उन आंदोलनों की पृष्ठभूमि बन जाती है, ठीक है। अगला प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। गोदान तो काफी फेमस उपन्यास है और इनका लास्ट उपन्यास हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं गोदान, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है। गोदान तो बहुत फेमस हुआ। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हीरो, हीरी और धनिया हैं, जो भारतीय किसान के प्रतिनिधि चरित्र हैं। ही होरी ढीला ढाला दब्बू पात्र है, यानी होरी कौन है ढीला ढाला, यानी बहुत ढीला ढाला दब्बू पात्र है, लेकिन धनिया तेज तर्राक है।
होरी का बेटा गोबर शहर चला जाता है, बेटा गोबर शहर चला जाता है, जहां वह मेहता और मालती के संपर्क में आता है। उस उपन्यास में राय साहब अमृतपाल सिंह, झुंगरी सिंह, पंडित दाता दीन, बैंकर खन्ना आदि खल पात्र हैं। इसमें प्रेमचंद ने किसी आश्रम की स्थापना नहीं की है, वरना उनकी निर्भीकता से किसानों के शोषण की कथा कही होती। होरी एक सीमांत किसान है, यानी इसमें होरी एक किसान है और वह धनी किसान नहीं है। गोदान में गांव और शहर दोनों की कथाएं, गोदान एक किसानों की समस्या पर है जिसमें गांव और शहर दोनों की समस्या एक साथ साथ चलती है, कभी मिल जाती है और कभी कभी अलग, यानी इसमें गांव और शहर की समस्या है। उपन्यास की मूल कथा के साथ साथ अनेक उपकथाएं चलती हैं जो उपन्यास में अनेक भूमि का विस्तार करती हैं। प्रेमचंद अंततः किसानों के लेखक माने जाते हैं, यानी प्रेमचंद ने ज्यादातर जो उपन्यास लिखे हैं वह किसानों के इर्द गिर्द ही लिखे हैं, यानी किसानों की समस्याओं को कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने बहुत ही ज्यादा दिखाने का प्रयास किया है। प्रेमचंद अंततः किसानों के लेखक माने जाते हैं, हालांकि उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में संपूर्ण समाज का चित्रण का प्रयास किया है। प्रेमचंद किसानों के लेखक तो माने जाते हैं कि वो किसानों पर कहानी लिखते, उपन्यास लिखते हैं, लेकिन समाज के हर वर्ग की कहानी अगर कोई लिखता है तो भैया वो प्रेमचंद है। प्रेमचंद साहित्य का समग्र विश्लेषण करते हुए कहा जा सकता कि प्रेमचंद साहित्य की विषय वस्तु तो भारतीय किसान का जीवन है, लेकिन उनके साहित्य का पाठक शिक्षित मध्यम वर्ग है, यानी जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उनका वर्ग होता। प्रेमचंद मध्यम वर्ग के को किसानों का पक्षधर मानते हैं। उन्हें अपने गांव की कहानी देहात में अनभिज्ञ पढ़े लिखे पाठक को सुनाती है, इसलिए उनको एक तरफ तो यह ध्यान रखना पड़ता कि पाठक के मानस पटल पर किसान के जीवन का नक्शा उतर आए, जो ना इतना अपरिचित हो कि शिक्षित वर्ग उसे समझ ना पाए। यानी प्रेमचंद किसानों की समस्याओं को बताते हैं और किसानों की समस्याओं को केंद्र में रख करके बात करते हुए, कौन बात करता जी, प्रेमचंद बात करते हैं किसानों की समस्याओं की। इस कहानी को प्रेमचंद इस तरह सुनाते हैं कि इससे पढ़ने वाला किसानों का पक्षधर हो जाए। यानी प्रेमचंद कहानी ऐसे लिखते हैं, भैया किसान की समस्या सुना रहे तो जो आदमी उसके उनके उपन्यास पढ़ेगा भैया किसानों का समर्थक हो जाएगा, सपोर्टर बन जाएगा। इस प्रकार से महिलाओं की समस्याओं को बहुत लिखते हैं। यानी प्रेमचंद ने हर हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं उन सभी प्रकार की समस्याओं को कह सकते हो कि प्रेमचंद ने लिखने का प्रयास किया है, या समाज की समस्याओं को उन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा है। इसके साथ ही प्रेमचंद को अशिक्षित किसानों के भावों की भाषा में बांधना है, अनपढ़ जनता की बोली को पठनीय बनाना, उसके मूल भाव को बचाना बहुत ही कठिन काम है। प्रेमचंद पूरी तरह से सफल हुए हैं, उन्होंने किसानों की समस्या का वर्णन इस दृष्टि से किया है कि जिन्हें स्वाधीनता आंदोलन में मदद मिल सके। नहीं, प्रेमचंद किसानों की समस्याओं को इस तरह से उठाते हैं ताकि जो, क्योंकि प्रेमचंद उस समय उपन्यास लिख रहे हैं जब भाई देश गुलाम है, देश में अंग्रेजों की सरकार है जो किसानों का जम करके शोषण और दमन करती है, उस शोषण और दमन के खिलाफ किसानों की बात लिख रहे हैं। ठीक है, प्रेमचंद का अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगल सूत्र है जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, यानी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, बीच में प्रेमचंद की डेथ हो गई। प्रेमचंद का लेखन और उनके विचार को निरंतर विकास समान थे, उन्होंने लगातार परिवर्तन किए। यदि वह और जीवित रहते तो उनके विचारों का पूर्ण रूप से समझ पाते, इसलिए कई मुद्दे पर प्रेमचंद का विचार अपर्याप्त लगते हैं, कहीं कहीं अंतर विरोधी दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पर हमें उनके आधुनिक दृष्टि की असंगति भी पाते हैं। तब भी निसंदेह प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हस्ती कहे जा सकते हैं, यानी उनके उपन्यास काफी फेमस उपन्यास हैं, जिसमें गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, ठीक है, कर्म भूमि, इस प्रकार के उपन्यास जो है काफी फेमस हैं। निर्मला उनका काफी फेमस उपन्यास है, सेवा सदन उपन्यास है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों को बताइए, तो आपको ये पूरा जितने
5-6 उपन्यास मैंने बताए हैं और इन उपन्यासों में क्या कहानी है, ये उपन्यास प्रेमचंद ने जो लिखे हैं कैसे लिखे हैं, किन किन घटनाओं को केंद्र कर लिखा है, वो सारे आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपको हिंदी ओनर्स जो है इसकी क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, BHDC 109 बल्कि 110 5, 6, 7, 8 इनकी भी क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप इसको पूछ सकते हैं, बाकी इसका पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है, आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके।